आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अरे अनिका, ये क्या शोर मचा रखा है? देखिए ना आंटी, ये आदमी खुद ही घर में घुस आया है। आप? अरे आप तो शिवाय सिंह ओबेरॉय। अनिका, ये तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े। क्यों, ये क्या 11 नंबर का जूता पहनते हैं जो आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो कि ये बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है? ये बहुत बड़े आदमी होंगे अपने घर में, लेकिन ये मेरा भाई का घर है और यहाँ पे कोई जबरदस्ती घुस आएगा और मुझे डराने की कोशिश करेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुना जी, ये घर में जबरदस्ती घुस आए थे? ये शरीफों का मुल्ला है भाई साहब। आप बड़े आदमी होंगे और आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकते। अब आप यहाँ से जा रहे हैं कि नहीं कि मैं पुलिस को बुलाऊं और आप पे हैरेसमेंट का केस करूं? मैं आपके नाम से नहीं डरती मिस्टर शिवाय सिंह ओबेरॉय। अब दोबारा किसी मिडिल क्लास लड़की पे बिकाऊ का टैग लगाने से पहले सोच लीजिएगा। दुनिया में ना तो सारे अमीर आप जैसे बदतमीज होते हैं और ना ही गरीब बिकाऊ। मेरी ईमानदारी, मेरी खुददारी, मेरी मेहनत और मैं बिकाऊ नहीं है। दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारी झूठी शराफत और तुम। मैं इन सबको इतने सस्ते में खरीदूंगा, तुम्हें तुम्हारी कीमत पता चल जाएगी। फर्स्ट आई विल बाय यू and then I will destroy you. How dare you? फिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। Don't act innocent. क्या वो टेप तुमने मीडिया वालों को नहीं दिया था? Did you think I will backstab you? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगी? जो सबसे ज्यादा करीब होता है वही इस काबिल होता है। तेज, उस रिकॉर्डिंग से तुमसे ज्यादा मेरा मजाक उड़ रहा है। The whole world thinks that I am your bloody king. क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी इज्जत दुनिया के सामने उछालूंगी? Why don't you understand, Tej? We both are victims. कोई हमें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। I know, Tej. जो हुआ गलत हुआ, बात गलत तरीके से सामने आई, पर बात गलत तो नहीं थी ना थी। तुम वैसे भी जानवी को डिवोर्स देने ही वाले, आज नहीं तो कल ये बात सामने आने ही वाली। दुनिया वाले वैसे भी जान देते, तो व्हाट्स द बिग डील? द बिग डील, द बिग डील इज दैट मेरा बेटा अपनी जान देने जा रहा था, दैट इज द बिग डील। और मेरे लिए मेरा बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
हाँ मैं मानता हूँ मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और वो ना ही एक अच्छा बेटा, पर आखिरकार he's my son and I love him. I love Omkara too and I love you Tej. तुम्हें धोखा देने से पहले मैं मर जाऊंगी. जिसने भी ये वीडियो मीडिया को लीक किया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा. And if by chance you have anything to do with it, Svetlana, you better watch it. मैंने ये फुटेज तो गीता वशिष्ठ को दी थी और गीता वशिष्ठ तो इंडिया से बाहर है, तो ये फुटेज मीडिया में दी किसने? तुम? कीमत क्या है तुम्हारी? 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 कोई भी काम क्यों करते पैसों के? दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती, तुम्हारी झूठी शराफत और तो इन सब को सस्ते में खरीद लो, तुम्हें तुम्हारी कीमत पता चल जाए. पिल्लू कहाँ था तू पुत्र? होम ठीक है ना? हाँ अपने कमरे में आराम कर रहा है. होम ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना दादी. पता है तू है तो सब ठीक हो जाएगा. तुम यहां क्या कर रही हो? ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? होने वाली परछाई जी, वैसे हमने जो चाल चली थी ना उसका शगुन हुआ आज तो. आज तो मुंह मीठा करना बनता है. रूप तेज बहुत गुस्से में है. तो क्या हुआ? उसके गुस्से का इलाज तो है ना तुम्हारे पास? सब कुछ मैं ही करूंगी. हेलो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तो मेहंदी लगा के बैठी हूं और तुम सुबह से बर्तन साफ कर रही हो. मैंने भी क्या कुछ नहीं किया. सबसे पहले अशोक की बीवी को भड़काया ताकि वो शिवाय पे हमला कर सके और मैं शिवाय को बचाकर इस घर में एंट्री. और वो वीडियो क्लिप तुम तो मीडिया तक पहुंचा ही नहीं पाई. मैंने तो लीक करवाई है वो. और फिर जाकर ऐसा धमाका हुआ जैसा 100 सूतली बम फटने पे होता है. ओब्रॉय फैमिली में तुम्हारी री एंट्री मेरी वजह से हुई. जानबूझकर सिक्योरिटी में मैंने लूप होल्स छोड़े ताकि तुम हर जगह पहुंच सको. मैंने तो तुम्हें ओब्रॉय फैमिली में पहुंचा दिया. अब तुम्हारी बारी. तुम्हें मुझे ओब्रॉय फैमिली का पार्ट बनाना होगा. यू हैव टू मेक श्योर कि मैं जानवी की जगह. अपनी होने वाली ननद पे थोड़ा भरोसा रखो. होने वाली रजाई से
इतना नाराज है मुझसे? देखेगा भी नहीं मेरी तरफ? दिखा तो दिया तूने, तुझे हमारी कितनी परवाह? डोंट गिव अ डैम होम, वरना तू ऐसा नहीं करता। मुझे नहीं पता था तू इतना सेल्फिश। शिवाय प्लीज ये बात तो सुन मेरे भाई। फिर से भाई मत बोलना। अगर तू भाई होता ना तो ऐसा करने से पहले सोचता कि तुझे वहां फूल पर ऐसे देख। यू नो व्हाट होम, जो करने का आई डोंट केयर। मैंने तुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका? जैक सब अलाउड है, सिर्फ एक चीज अलाउड नहीं है, मुझे छोड़ के जाना अलाउड नहीं है। छोड़ के जा सकता हूं, मर रहा होता तो मैं कब का मर गया होता। नहीं जा सकता तुझसे, नहीं जा सकता अपने भाइयों से दूर। मुझे बंदरी कह रहा है, मुंह पे कालक लगा के ना पूरे मोहल्ले में गधे पे बिठा के घुमाऊंगी। आया चल के। हाँ अबे हंस क्या रहा है बंदर की तरह? क्या देखो? क्या देखो? अनिका
ये कालक तो निकल जाएगी। अरे जो कालक तुझ पे और तेरे दामन पे लगी है ना, वो हटाने से भी नहीं हटेगी, समझी? पूरे मोहल्ले ने देखा है, तुझसे मिलने ना आधी रात को लड़के आते हैं। अरे अब बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब एक पल भी तुझ जैसी बदजलन लड़की को ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल निकल यहाँ से। ये बात तो मुझे आपसे कहनी चाहिए ना। क्यों, मैं बदजलन हूँ? अब आपकी धमकियों का वैसे भी असर कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कॉलेज कैंटीन का टेंडर मुझे मिलने वाला है। सब कुछ हो चुका है, बस कल मुझे पेपर साइन करना है। और अगर उसके बाद भी आपका ड्रामा बंद नहीं हुआ ना, तो एक पैसा नहीं दूंगी मैं। और जानते हो ना कि ये घर किसका है? हम मकान मालिक है, और आप भारी किराएदार। जो किराया भी नहीं देता। और अगर यहाँ रहना है ना, तो तमीज में रहिए बुआ जी। समझी बन रही बुआ। कल सुबह मुझे कैंटीन के पेपर्स मिलने वाले हैं, और उसके बाद सब कुछ सही होगा। ये तेरी अनिका दीदी का प्रॉमिस है तुझसे। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। वो वीडियो देखा, अपनी माँ को उस हालत में देखा और डर गया मैं। बस भागना चाहता था, बस भागना चाहता था, इसलिए मैंने वो पिल्स लिए सोने के लिए। मरना नहीं चाहता था शिवाय, मैं मरना नहीं चाहता था। गलती से ज्यादा पिल्स ले लिए, नहीं मरना चाहता था मैं, नहीं मरना चाहता था। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी में मुश्किलें हैं, चैलेंजेस, इट्स नॉट इजी। और हर कोई ना कभी कमजोर पड़ जाता। हम तीनों भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारा कमजोर पड़ना अलाउड है, लेकिन अकेला पड़ना अलाउड नहीं है। नो, तेरी जिंदगी में ना कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, मुझसे बात कर, टॉक टू मी यार, कॉल कर मुझे। अक्सर भैया फोन तोड़ देते हैं, पर टेंशन मत लेना, टॉक टू मी। हाँ, ओम, तेरी जिंदगी पे तुझसे ज्यादा मेरा हक है, और मेरी जिंदगी पे तुम दोनों का। हम एक ही कहानी के तीन हिस्से, एक दूसरे के जरूरी हिस्से, यहां तक कि हमारे नाम भी एक साथ जुड़े। ओंकारा शिवाय रुद्र, तीनों शंकर भगवान के अंश। तुझे कुछ हुआ ना, जी नहीं पाऊंगा यार। मैं जानता हूं मुझे कुछ हुआ तो रुद्र नहीं जी पाएगा। वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। One for all for one. One for all for one. I love you guys. निकल गया।
पहले इमोशनल था, अब ऑकवर्ड है।